नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। खबर पन्ना जिले के गुनौर से है। यहां के सिली ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ न मिल पाने की वजह से लोग परेशान हैं। भारी बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। लोगों का कहना है कि उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गाँव में कुसुमबाई लोधी का मकान अतिवृष्टि की वजह से धराशायी हो चुका है। कुसुमबाई लोधी को ना तो शौचालय की सुविधा मिली, ना ही इंदिरा आवास और ना ही प्रधानमंत्री आवास की सहायता मिली। इसके अलावा उसका जो विद्युत कनेक्शन था वो भी कुछ दिनों पहले काट दिया गया था। इस मामले में सीओ का कहना था कि लिस्ट में नाम ना होने की वजह से ये सुविधा नहीं मिल पाई। केवल कुसुमबाई लोधी ही नहीं है, कई ऐसे ग्रामीण है जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और वे अपने टूटे फूटे कच्चे मकान में गुजर बसर करने को मजबूर है। सर, ये बरसात का मौसम है और इसका मकान गिर गया है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं इसके पास, और विधवा है। पिछले साल इसके पति की भी मृत्यु हो गई। आज तक इसको कोई लाभ नहीं मिला है, ना इंदिरा आवास का मिला, ना प्रधानमंत्री योजना का मिला, ना शौचालय का मिला। गरीब विधवा है, मजदूरी करके भरण पोषण करती है। रात में रुकने के लिए भी नहीं व्यवस्था है कुछ इसकी। पूरा मकान गिर चुका है, ना तो कोई देखने आया है अधिकारी आपका। पानी की बरसा बगैर का है। अच्छा, और रोटी पानी का साधन ना पड़ा, बैठ खाने का ही है सब। अच्छा, शासन की उससे पीएम आवास आ रहे हैं, तो क्या आपको पीएम आवास मिला? हाँ, हाल ही मिला है। इनके परिवार में एक बच्ची है और एक बच्चा है। बच्चा ही खड़ा है पास में, वो भी काम धाम जहाँ मजदूरी लग गई तो ले आया, तो महतारी को बताता है बहन को। हमको जानकारी प्राप्त हुई थी और हमने पटवारी हल्का को भेज कर जानकारी प्राप्त की है और प्रतिवेदन हमारे पास आ चुका है। प्रतिवेदन आने के बाद हमने प्रकरण भी स्वीकृत कर दिया है। उनके बैंक खाते की छायाप्रति ले करके और उनके खाते में राशि पहुंचाई जा रही है। तत्परता से हमने कार्य किया है। 10,100 रुपये स्वीकृत भी किए हैं और उनके खाते में राशि पहुँचाई जाने की कार्रवाई की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास की योजना का लाभ हर गरीब को दिया जा रहा है, लेकिन इस ग्राम पंचायत में इस गरीब को आकर क्यों, किस कारण लाभ वंचित रह गई? इस संबंध में हम भी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीओ से बात उनसे बात करेंगे और आप भी थोड़ा वहाँ देख लें। मामला मेरे संज्ञान में है, मैंने इसको देखा है और इसका अभी बरसात में मकान गिरा है और मकान गिरने के बाद जो राहत राशि दी जाती है राजस्व विभाग द्वारा, इसका प्रकरण बनाया गया है। तहसीलदार महोदय गुनौर को घोषित किया जा चुका है। जहाँ तक बात रही प्रधानमंत्री आवास की, तो प्रधानमंत्री आवास की जो 2013 का सर्वे है जिसका आधार पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होते हैं, उसमें इस परिवार का नाम नहीं। इस कारण से हम लोग फिलहाल इसमें आवास कराने लाभ दे नहीं पाएंगे। दूसरा इशू था कि हम लोगों ने इसको जो फिर से आवास प्लान में नाम जोड़ना था, इसमें इसका नाम जुड़ा हुआ है। जब आवास प्लस में काम शुरू होंगे तो इस महिला को आवास का लाभ दिया जाएगा। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।